वन प्लस इलेवन और वन प्लस इलेवन आर में यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 14 का अपडेट आ चुका है और हमने इसे अपडेट भी कर लिया और यहाँ पे हमने इसे 1 वीक से ज्यादा इसे यूज कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने ऑल टॉपिक्स कवर अप किए हैं, इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हमने इसे जोड़कर इस वीडियो को हमने बनाया आपके लिए और यहाँ पे मेरे पर्सनल ओपिनियन होने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको गाइज एंड तक देखना है। तो चले गए बिना किसी देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले अपडेट के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो लिंक टू विंडो करके आपको एप्लीकेशन मिल जाता है जो बिल्ड इन आपके वन प्लस इलेवन आर में मिल जाता है या फिर वन प्लस इलेवन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है लिंक टू विंडो करके। तो ये आपका जो आपका मोबाइल है आपके विंडोज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटली इकोसिस्टम हो जाएगा, जैसे सैमसंग रहता है, एप्पल में रहता है, तो ऐसे आपका जो विंडोज और मोबाइल का कनेक्टिविटी रहेगा। जैसे यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करोगे तो आपके यहाँ पे लैपटॉप में आ जाएगा, कोई भी आप यहाँ पे फोटो सेंड करोगे या फिर वीडियो सेंड करोगे तो आप यहाँ पे इकोसिस्टम की वजह से टोटली वर्क करेगा। ये मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब आपको यहाँ पे जैसे एप्पल वगैरह लेने की गरज नहीं है, आपको यहाँ पे आपका सस्ते में भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले अपडेट के बारे में बात कीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट कटआउट करके। मतलब यहाँ पे कैसे रहते हैं, आपको जो ये स्मार्ट कटआउट जो फीचर है, आपको जो वन प्लस के जो बिल्ड इन एप्स रहते हैं फोटो वाले, उसमें आपको यहाँ पे वर्क करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लो आपके पास दो फोटो है, दो में से आपको किसी एक को सेंड करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है। होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे जो फोटो रहेगा यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो या फिर उसे एडिट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो तो आपके लिए एकदम इजी वर्क हो जाएगा। ये जो अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो गया और फोटोशॉप एडिटिंग वाले के लिए हो गया। तो नेक्स्ट वाले अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट तो सारे मोबाइल में आप निकाल सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपको यहाँ पे ब्लोर करना पड़ता है सारे को। अगर समझ लो आप किसी को बैंक अकाउंट भेज रहे हो या फिर किसी का नंबर भेज रहे हो, कोई सेंसिटिव डाटा आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लोर कर सकते हो एक क्लिक के अंदर। आपको सिर्फ एडिट का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको जो सेंसिटिव डाटा है यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैमरे में भी अपडेट मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे एक क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 13 शॉट्स मिल जाएंगे। मतलब समझ लो बार बार फोटो खींचने की कोई गरज ही नहीं इसमें, मतलब 30 में से आपको जो चाहिए फोटो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना जो अच्छा लगे हो। मतलब यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चले जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको शूट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 10 से 20 या फिर 30 आप जितना निकाल सकते हो उतना आप शूट निकाल सकते हो एक क्लिक के अंदर। मतलब 10 से 20 30 फोटो आप एक ही क्लिक से निकाल सकते हो। ये भी फीचर अच्छा लगा क्योंकि बार बार फोटो खींचने कोई झंझट नहीं है, एक ही क्लिक दबाओ और 10-20 में से कोई भी अच्छा फोटो आप इसे सेव करके रख ले सकते हो, बाकी सब आप डिलीट कर सकते हो। और सबसे हेल्पफुल वाला जो अपडेट इसके अंदर आपको मिल जाता है, जैसे फाइल लॉकर करके, जो आपको अनेबल करना होगा साइड बार। मतलब आपको सेटिंग्स में चले जाना है, वहां पे सर्च कर देना साइड बार करके। साइड बार आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल लॉकर, इसको आपको सबसे पहले अनेबल करना होगा। फाइल लॉकर जैसे आप यहाँ पे अनेबल करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी जैसे पीडीएफ हो गया या फिर कोई भी आपका फोटो होगा डायरेक्टली यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट होगा वो भी आप यहाँ पे कॉपी करके ड्रैग करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कोई आपको मैसेज करना है कॉफी वाला, कॉपी करने कोई मैसेज, तो यहाँ पे आपने इमेज से कॉपी कर लिया, डॉकर में सेव कर लिया। डॉकर में सेव करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, इसे सेंड भी कर सकते हो। मतलब बार बार आपको वो एप्स ओपन करने की गरज नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे रिसेंट टास्क का भी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपने क्या क्या किया, जैसे व्हाट्सअप पे क्या मैसेज किया, यहाँ पे आपका जो कौन से फोटो आपने ओपन किया, ये सब सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे साइड बार में देखने को मिल जाते हैं। बैटरी के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने अपडेट निकाला है। यहाँ पे आपको रैपिड चार्जिंग तो मिलती है, मतलब चार्जिंग तो फास्ट होती है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाता है, मतलब आपका जो मोबाइल चार्जिंग है 80% तक ही रहेगा। 18% जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो चार्जिंग है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये काफी अच्छा लगा फीचर, मतलब आपको क्या रहता है, आप लगा के सो जाओगे रात को चार्जिंग, यहाँ पे अपने आप आपको नींद आएगी, फिर नहीं तो आप डायरेक्ट बंद करना भूल जाओगे। तो आप यहाँ पे 80% वाला ऑन करके रखोगे ना, आपका जो मोबाइल की चार्जिंग हो जाएगी तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके चार्जर के साथ, मतलब बैटरी की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी और अच्छी खासी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगी। नेक्स्ट वाले अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट सजेशन वाला, जो एप्पल की कॉपी आप इसे बोल सकते हो, डायनेमिक आइलैंड करके है। मतलब इसके अंदर आपको कैसे रहते हैं, यहाँ पे आपके जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करिए आपके मोबाइल की, तो आपको यहाँ पे ऊपर ही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे स्मार्ट सजेशन में। जैसे आपको हॉटस्पॉट दे रहा किसी और को, जैसे आपको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट करना होगा तो आप ऊपर आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई टाइमर वगैरह, आप यहाँ पे आपने टाइमर वगैरह लगाया है तो टाइमर आप डायरेक्टली देख सकते हो, या फिर स्विगी जोमेटो से आपने कुछ खाना भी लगा मंगाया होगा तो आपको जो टाइमिंग आता है तो आपको एप्स ओपन करने की गरज नहीं, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर ही मिल जाएगी, जैसे टाइमिंग वगैरह कितने टाइम में आने वाला है ये सब। ये काफी ज्यादा यूजफुल लगा मुझे क्योंकि बार बार आपको एप्लीकेशन ओपन करने की गरज नहीं है, ऊपर ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले अपडेट के बारे में बात की तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज में मतलब ये चलता था मोबाइल, और 16 हर्ट्ज में भी चलता था। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझ लो यूट्यूब तो जैसे आप ओपन करते हो यहाँ पे 16 हर्ट्ज में चालू हो जाता है, तब भी यहाँ पे आप 90 हर्ट्ज पे चला सकते हो, मतलब आपको थोड़ा भी लैगिंग नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है आपका मोबाइल एकदम मक्खन जैसे चलेगा। नेक्स्ट वाले अपडेट के बारे में बात किया तो यहाँ पे आपको 20 प्लस रिंगटोन्स मिल जाते हैं गाइस, जैसे एयर्स हो गया जो पूरी तरीके से नेचुरल को डिफाइन करता है, एयर हो गया, रेनिंग वाला सीजन हो गया, सारे मतलब छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह ये सारे सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं छोटे छोटे रिंगटोन्स, मतलब अच्छी खासे नए थोड़े डिफरेंट भी है।
और यहाँ पे फॉन्ट्स में भी अपडेट आ चुका है गाइस। यहाँ पे पहले आपको दो ही फॉन्ट मिलते थे और यहाँ पे आपको तीन फॉन्ट मिलते हैं और यहाँ पे इनके गैलरी में आप जाके यूज कर सकते हो, थीम स्टोर में जाके यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। कोई की जो फॉन्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं और कोई कोई यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो जैसे ऑफर में चालू रहते हैं तो ये फ्री डायल करके आप इसे यूज कर सकते हो, बाद में आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको खरीदना तो खरीद सकते हो। तो समझ लो आपने यहाँ पे अपडेट भी कर लिया अपना मोबाइल, तो अपडेट करने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम का फेसिंग आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। जैसे तो वैसे सबसे पहले मुझे इश्यू लगा बैटरी कंपार्टमेंट में, जो बैटरी कंपार्टमेंट आप इसे बोल सकते हो, मतलब जो बैटरी है फटाफट से ड्रेन होना चालू हो जाती है। थोड़ा भी आप यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लो या फिर आप कॉलिंग में यूज कर लो या फिर नेटवर्क का भी आप यहाँ पे यूज कर लोगे थोड़ा, तो आपकी जो बैटरी है गाइस फटाफट से ड्रेनिंग चालू हो जाती है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये सब, लेकिन ये नेक्स्ट वाले अपडेट के बाद इसे फिक्स करना होगा। और थोड़ा मोबाइल थोड़ा सा हीटिंग भी हो जाता है गाइस, क्या मालूम है ये अपडेट काय को मिलने गया ऐसा हो गया, तो आपको थोड़ा नए फीचर्स का यूज करना होगा तब इसे अपडेट कर लेना। बट आई रिकमेंड आपको यहाँ पे अपडेट करना है, कोई यहाँ पे कोई गरज नहीं आपको, थोड़ा यहाँ पे आपको रुकना है। नेक्स्ट वाला अपडेट आएगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच वगैरह जो बाकी कुछ रहेंगे सारे इसके अंदर आपको कवर अप किए हुए मिल जाएंगे। और गेमर्स वाले बंदों की बात किए तो यहाँ पे बीजीएम में आपको यहाँ पे थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स मिल सकते हैं। 90 एफपीएस भी आप यहाँ पे गेमिंग सेटिंग करके खेलोगे, लेकिन आपको कभी कभी लैगिंग का यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ सकते हैं। आई डोंट नो क्यू, ये अपडेट के बाद ये सारे फिक्स होने चाहिए थे लेकिन ये अपडेट के बाद थोड़े बढ़ चुके गाइस। जैसे गेमिंग करने जब हम ये चालू कर लेते तो चालू मतलब अच्छे खासा आप खेल सकते हो, लेकिन जैसे आधा घंटा या फिर 30-40 मिनट्स के बाद आप यहाँ पे खेलोगे ना तो आपके जो फ्रेम ड्रॉप्स आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब गिरना चालू हो जाते हैं। 90 से आपको यहाँ पे 60 से भी कम हो जाते गाइस। थोड़े यहाँ पे आप बोल सकते हो अपडेट के बारे में, मतलब अपडेट के पहले तो अच्छा खासा बीजीएमआई भी चल रहा था लेकिन अपडेट के बाद ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देख के इसे अपडेट करना होगा गाइस। अगर आपको थोड़े फीचर्स को यूज करना है जैसे मैंने आप आगे बताया फीचर्स को अगर यूज करना होगा तो इसे आप अपडेट करना, नहीं तो आप रहें तो आपको 13 OS भी ऑक्सीजन OS 13 भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छे से वर्क करते हुए। तो गाइज यही थी सारी कहानी ऑक्सीजन OS 14 के बारे में। तो अगर आपको ऑक्सीजन OS अपडेट करना होगा तो आप कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर सकते हो या फिर नॉर्मल कॉलिंग करते हो, नॉर्मल सी यूजिंग आप कर सकते हो तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन OS 14 को आराम से यूज कर सकते हो। और थोड़ा नया भी लगता है, थोड़े नए नए फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सारे डिपेंड आपके ऊपर है आप किस प्रकार के यूजर हो गाइस, तो अगर आप उस प्रकार के यूजर हो तो उसे अपडेट करना, नहीं तो आप छोड़ देना। तो चलिए।